हैं, कैसे हैं आप लोग जी। आज मैं जिनके घर में आई हूँ वो आप लोग को मैं बताती हूँ। पहले कनाडा में मेरी एक अम्मी है, माँ है, एक तो पाकिस्तान में है जो मेरी अम्मी है, एक है कनाडा में मेरी कैनेडियन मॉम। आज मैं उनके भाई के घर आई हूँ, यानी ये रिश्ते में मैंने मेरे मामू हुए हैं तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। ये मेरे मतलब मेरी कनाडा में जो आंटी हैं वो मेरी बिल्कुल अम्मी जैसी, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके भाई के घर पर आई हूँ, आए आज इनसे मिलते हैं। आज का ब्लॉग इनके लिए, पहले भाभी से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? क्या कर रही थी? इंतजार काफी, मैंने इंतजार करवाया। आ जाए, ये क्या कहते हैं, मेरी फैमिली अंदर पहले से बैठी थी, पता नहीं कैसे आ गई अंदर। मैं अभी अभी आई हूँ। और ये शाहिद भाई मेरे पहले, ये रक्षे वाले जो हमारे भाई हैं, ये पहले आगे बढ़ रहे क्या? ये मेरे बहनों ही आप जानती हैं, तो आए। ये इनकी बेटी हैं, क्या नाम है आपका? इराज। कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये इतने प्यारे से बेटे, आप अपना नाम बताएं। राहेम। चले आए हम आपके पीछे। मुकद्दस रूबी आंटी के जो स्पेशल जो हमारे भाई हैं ना, उनसे मिलवाती हूँ। मेरा नाम तो नहीं पूछोगी ना? तो ये है रिजवान भाई, मेरी जो आंटी है रूबी आंटी, उनके भाई। आज इन्होंने हमारी दावत की है घर पे और हम लोग यहाँ आए। और इन दोनों के कपड़े देखे आप, छोटा ने छोटे चेक, बड़े हैं वो तो उन्होंने बड़े चेक पहने। तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट आंटी के भाई हैं, तो ये भी मेरे फेवरेट हुए। और ये भी फेवरेट है ना? ये तो है ही फेवरेट। ये भी फेवरेट है। जी, ब्लॉग चल रहा है। ये हम दोनों का ब्लॉग है, ये यू कर भाई, ये देखें, ये हमारा ब्लॉग चल रहा है। तो ये कहाँ से आई है, कैसे आई है और हम पहले कहाँ से आए, वो मिलेगा मेरे ब्लॉग में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी और मैं शाहिद भाई से भी मिलवाती हूँ। ये बहुत अच्छे शाहिद भाई हैं, जिसको भी बुक करवाना हो ना, इनको बुक करवाओ। जबरदस्त रक्षा चलाते हैं ये, सुनो, ये जबरदस्त रक्षा चलाते हैं। और कितने साल पहले मिले थे? चार साल से जब भी मैं आती हूँ ना, ये बुक कर लेती हूँ, दो महीने के लिए जाती हूँ उनके साथ जाती हूँ, ठीक है ना? तो अब हम, मैं दिखाऊंगी। मैंने सोचा इनका घर इतना खूबसूरत है, मैंने सोचा कि आप लोगों को टूर ही दे दूँ इनके घर का। तो आइए, यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? आपके बेटे के मुताबिक बातें चल रही हैं, किस पे गया? अच्छा, आप बताएं किस पे गया? मुझे लगता है कि तुम पे जाएगा, है ना? नहीं, उप्स, सॉरी। ये मेरा बेटू जो है, कभी यासिर की झलक आती है, कभी मुझ पे, लेकिन मेरा बचपन देखेंगे मेरी तरह लगते हैं, और अगर यासिर का देखो तो यासिर में झलक आ जाती है। आए तो अच्छा, मैं आपका घर का टूर दे रही थी। कनाडा में, अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, अभी मैं भी बताती हूँ, भूल गई थी, सॉरी। ये जो है, आइएगा इधर मेरे पास, ये जहरा बाजी जो है ये मेरी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और मेरे जो कपड़े पाकिस्तान में बनते हैं, ये मेरी टीम मेंबर हैं, जो पाकिस्तान में मेरी टीम है उनमें से एक ये भी है। तो मैं दिखाती हूँ, बुकिंग करवानी हो तो आप करवा लें अभी से, कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो ये तो दुपट्टे, इनकी शॉल बहुत प्यारी है, कलरफुल, वाह, बहुत ज़बरदस्त आस्तीन डिज़ाइन भी बनाए।
और ये भी मैंने आप लोग को आज तक नहीं बताया था कि मेरी सेकंड टीम मेंबर कौन है। मेरी एक टीम है जिसमें लोग काम करते हैं। अभी मैंने जहरा बाजी से आप लोग को मिलवाया था, अब मैं आप लोग को एक और टीम मेंबर से मिला रही हूँ। टीम मेंबर प्लीज आ पाएगा, नकाब करके आ गए। ये भी मेरी टीम में है और ये मेरी सिस्टर हैं, और ये आधा काम ये संभालती हैं, आधा काम वो संभालती हैं। मैंने एक दो बार बताया दिखाया भी बच्चों ने थोड़ा बहुत। हाँ, और मेरे जितने भी कपड़े सिल कर आते हैं ना, वो इनके घर पर आते हैं, और ये पूरी मेजरमेंट लेती हैं, पूरी एक एक बायोडाटा पूरा मुझे बताती हैं कि हाँ ये ठीक है। चेकिंग, फाइनल चेकर जो होता है वो इनके पास से होकर फिर कैनेडा आता है, फिर ये शिप भी करवाती है मेरे वहाँ पर। तो ये हमारी एक टीम है, और एक और टीम मेंबर है, वो बेचारे आए नहीं है, बड़ा अफसोस हो रहा है। तो ये हमारी छोटी सी एक टीम है जो हम मिलके काम करते हैं। तो इस वक्त मैं तीनों को साथ ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये है मेरी टीम मेंबर जहरा बाजी, अंजुम बाजी और मैं, ये मेरी सबसे बड़ी मेंबर। तो ये काफी सारे कपड़े जो है रेडी हो चुके हैं मेरे। हम मैंने कहा कुछ लार्ज ले जाऊंगी, मैं पहन लूंगी। देखे मैंने तो ये अपने लिए रख लिया, ठीक है, और इसमें से मैं छाटती हूँ। मुझे पाकिस्तान में कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे, बहुत अच्छा किया कि जहरा बाजी ने बनवा के रखे हुए हैं ये। भाई इसका दुपट्टा दिखाना, हाँ नहीं, खोल के खूबसूरत लग रहा है। देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है, ओह माय गॉड कितने प्यारे कलर है। वाव, कौन सा लूँ मैं इनमें से, समझ नहीं आ रहा, देखूंगी। चले भाई आप भी एक वीडियो बना लें, आए इधर आए, चले आए। हाँ आप भी बनाओ अपना। सरप्राइज देना था इनको, और इनका सरप्राइज मैं हूँ। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें सब। क्या चैनल है आप मेरे, इसमें भी बता दें, फन टीवी। स्पेलिंग भी बता दो, IRAJFUNTV। टैलेंट है ये, बहुत अच्छा ये बना लेती पूरा। वाओ, ये भी देखेंगे अभी। चले भाई, तो मुझे तो अगर कोई ये दे और ये बोले कि या तो ये बना लो या अपनी जान बचा लो, बना के अपनी जान बचा लो, मैं यूं ही बिगड़ावा दे दूंगी, कहूंगी मुझे मार दो, नहीं बना सकती मैं ये। वाओ भाई जबरदस्त, दिखाओ ये देखें। ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी, तो आपके लिए ढेर सारी रैपिंग तालियां। आपने क्या सीखा लॉकडाउन में? वाओ यम्मी, आए देखते हैं कि क्या क्या बना है खाने में। और ये सब अभी हम खाने वाले हैं। ये ईसा जो है ना, मुझे खाना नहीं खाने दे रहे हैं। और इनको सब कुछ चाहिए, और इसको सब कुछ चाहिए, प्लेट भी चाहिए, हर चीज चाहिए। बेटा आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ भूख लगी है खाना तो, भूख लगी है खाना तो, भूख लगी है खाना दो। ढोल बजा रहे देखिए मैडम ने, देखे दोबारा प्लेट बिरयानी की ली जा रही, मतलब बिरयानी बहुत मजे की। ये देखिए,
यहाँ बैठ के रबड़ी खाई जा रही है इतनी शौक से। ओए होए, इतनी शौक से क्या खा रहे हो? वो भी अहमद के साथ। अहमद क्या होना ये? अहमद मामू नहीं, खालू। नहीं खालू, अहमद खालू के साथ वो भी खड़े हो के खड़े भी हो गए। वाओ, और खानी है, और खानी है। ए ए चौने, और खानी है, और खानी है। चले भाई, अब कुछ मीठा हो जाए। इतनी मज़े की रबड़ी बनाई है ना इन्होंने, ज़बरदस्त किस्म की। मैं खाती नहीं हूँ मीठा, लेकिन इतनी मज़े की कि मैं रोह रह नहीं सकी खाए बना। वाह, देखो मेरा बेटू कैसे खा रहा है। ज़्यादा ना हो जाए, सुनो है बस, ज़्यादा बस अमली खिलाओ, ज़्यादा ना हो जाए मीठा, ना हाइपर हो जाएगा फिर। ये असल में वही भूखी। भाई भाभी से मैं रेसिपी ज़रूर लेके जाऊंगी, बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त जी। जब कोई नहीं होता ना तब हम दोबारा लेते हैं, और जब कोई होता है ना हम ऐसे खाते हैं। ये देखो भैनोई भी आ गए, रबड़ी कहाँ है? इधर आओ मेरे पीछे आओ, भैनोई भी आ गए, रबड़ी कहाँ है? ये देखो मीठे के दीवाने। और जब कोई नहीं होता ना हम ऐसे खाते हैं। अहमद भाई का चौथा प्याला जा रहा है रबड़ी, जो कि आप इनके व्लॉग में देखिएगा, चार दफा प्याला गया है। और चौथा प्याला ऐसा नहीं है, भरा हुआ है, फुल खाली है। देखो ईशल खान और अहमद खान हुए नियते रबड़ी के ऊपर। बिल्कुल बच्चों को गिफ्ट कोई भी अच्छी चीज ना दो, या तो कोई धागा उठा के दे दो, गत्ते दे दो, गत्ते दे दो। ये जो टैग है ना, ये टैग ये दे दो, ये फेंको नहीं। कपड़े आप अपने पास रखिए, ये टैग गिफ्ट करो खाली, क्योंकि बच्चे जो है इनमें खुश है। ये देखे जैसे मेरी बच्ची है, वो वहाँ पे टेडी बेयर फेंके और ये वाली स्लीपर हाथ पे ले लिए। बस ये इतना प्यारा है। ये लो कार्ड ले लो, ये सुपर हीरो, मेरे सुपर हीरो कार्ड ले लो। इसको याद आया, जम्पिंग करते।
हम रिजवान भाई की और भाभी की शादी की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे शादी की तस्वीरें चल रही हैं। कितनी प्यारी है। तुम्हारी मम्मा ने तो तुम्हें शादी में बुलाया ही नहीं। ये मुझे उसकी तरह लग रही है। ओ रूबी आंटी, आई मैं दिखाऊं आप लोगों को कि मेरी कैनेडियन मॉम कौन है। आए जो मैं कैनेडियन रूबी आंटी की बात कर रही थी, जिनको मैं अपना माँ का दर्जा देती हूँ अपनी अम्मी के बाद, तो वो ये है। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं इन्हीं की तरह लगती हूँ, अपनी अम्मी की तरह कम और इनकी तरह ज़्यादा। ईशन तो बहुत अच्छा लगा हमें। ये क्या चीज़ है? तो अभी इसके बारे में बात हो रही थी तो मैंने सोचा चले मैं आप लोग को भी बताऊं। तो रिजवान भाई ये क्या है? मुझे तो पता ही नहीं है। पिंक सॉल्ट की खासियत बताएंगे रिजवान भाई। ज्यादा नहीं पता, वैसे ये हाँ। होता है कि आपके घर पे नजर ना लगे, नजरें पड़ से बचाता है। लोग आते हैं घर पे जैसे से, तो वो ये उससे बचाता है। और आप कुछ कहना चाहेंगी? असरात वगैरह से आपके घर में इस तरह के असरात अच्छे ना हो तो ये उससे खाने वाला तो नहीं है। नहीं मतलब पिंक सॉल्ट से खाने 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 का तो हमारा कोई इसका कोई बिजनेस नहीं है, खाली इसके लिए रखा के नजर से बचे। हाँ भाई ये मेन एंट्रेंस पे रखना चाहिए खास, और अपने कमरे में भी जरूर रखें। रूम में क्यों? अपने रूम में जरूर, क्योंकि नेगेटिविटी को हटाते हैं। चलें अब हम घर जा रहे हैं और सब हमारे लिए रिजवान भाई। चले हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं। ईसा को भी दिखा दे। ईसु बड़ा तंग हो रहा है भैया। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। और आपकी रबड़ी तो भैया दुनिया भर में मशहूर कर दी मैंने, बहुत मजे की थी। अल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। ये है कि यासिर आ जाए तो यासिर के साथ आऊंगी, वरना वो चले ना घर में उसके साथ आ सकती हूँ। तो आज का सफर और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। यहीं से आई थी मैं अंदर, यहीं से जा रही हूँ। बाय बाय। हमने निदौर अहमद को छोड़ दिया भैया, यहाँ पर तो सिर्फ चार लोग लिफ्ट में अलाव होते हैं, कहीं पे भी चले जाओ चार लोग से ज़्यादा नहीं लिखा हुआ होता है। तो निदा को हमने छोड़ दिया ऊपर, अहमद को। हम चार पहले नीचे जा रहे हैं, फिर वो लोग आएंगे बाद में। भैया इसका रक्षा A1 रक्षा है, भैया इसका A1 रक्षा है, क्योंकि इसके रक्षे में तो भैया डोर भी है, ठंड में हवा नहीं लगेगी हमारे बच्चे को भी हमें भी। और इधर आना रक्षे वाले, एक था चाय वाला वो मशहूर हो गया था, ये मेरा रक्षे वाला। रक्षे वाले हाय करो, मुझे निकल गई रक्षे वाले के। मुझे पहले जब 4 साल पहले जब मैं इसको लेके जाती थी, इसकी मुझे भी नहीं थी, बच्चा था, अब बड़ा हो गया, इसकी मंगेतर भी आ गई भैया 4 साल में। तो मुबारक मुबारक, कभी दिखाओ ना, मैं तस्वीर नहीं दिखाई। दिखा देंगे भाई। अच्छा ये बताओ बेटा, सब ब्लॉग में डालूंगी, मंगेतर से मिलने नहीं जाते हो, तरसाते हो उसको, तड़पाते हो? कह रहे वो बुलाती, मैं तो जाता ही नहीं हूँ। एक साल बाद जाता हूँ, शहर की हवा लग गई इसको। एक साल बाद जाता हूँ, एक साल बाद। हाँ बेचारी इंतजार करती होगी कि शाहिद की एक झलक दिख जाए, और ये शाहिद यहाँ पे रक्षों की सवारी वगैरह पे बात होती है, कॉलों पे बात होती है। अच्छा क्या बात होती है? जब तक जल्दी वैसे ही गपशप होती है, और क्या बात करते हैं? गपशप क्या गपशप करते हैं? घुमाने कहाँ ले जाते हैं? घुमाने वो गांव में बैठे हुए कहाँ घुमाने ले जाऊँ? क्या अच्छा जो भी नाम है, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन पता है शाहिद बहुत अच्छा है, तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिला है ना माशाल्लाह से,
बहुत अच्छा लड़का है, वरना कराची में अच्छे लड़के होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा है। फैमिली वाला, टाइम पे घर जाना और अपनी फैमिली की केयर करना, बहुत अच्छा है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे लोग ही बनेंगे ना। बिल्कुल। और ये मेरा बहुत बड़ा झूठ था, मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छा लड़का है ये। चलो मैं आप रक्षा गया, तुम पहले बाहर निकाल लो, मैं बैठती हूँ, मैं अपना दे रहा हूँ। ईशा रानी जाती की है, हम अहमद को छोड़ के जा रहे हैं। भैया आओ, मेरा फड्डा हो गया है, एक चीज से आओ फड्डा हो गया है, अभी फड्डा करूंगी मैं उसे।